सड़क पर टायर जलाते आरजेडी और कांग्रेस के नेता, क्या आप इन्हें आंदोलनकारी कहेंगे क्या? ये किसानों को बदनाम करने की कोशिश नहीं है क्या? किसानों के कंधे पर बंदूक रख के क्या अपना अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश नहीं है क्या? एक तरफ टीकरी बॉर्डर पर सैकड़ों किसान है जिन्होंने कानून का उल्लंघन किए बिना आंदोलन किया, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ट्रेनें रोकी। जी हाँ, ये देखिए, ये वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, प्रयागराज में ये ट्रेनें रोकी गई। ये है इच्छाधारी आंदोलनकारी, ये किसान नहीं है, ये किसानों के वेश में ये आंदोलनकारी कहलाने लायक है, ये विध्वंस कह रही है। ऐसी पार्टियां जो हंगामा और तोड़फोड़ और चक्का जाम को भी आंदोलन समझती है। ये देखिए आप, आरजेडी ने आगजनी की, रोड जाम किया, अब ये किसान तो नहीं है ना, ये तो किसानों के नाम पर इच्छाधारी आंदोलनकारी काम पर। दिल्ली की ये बुराड़ी की ये तस्वीर से हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए, ये प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाए, रास्ता जाम किया, ये दरभंगा। तस्वीरों से समझिए आप इच्छाधारी आंदोलनकारियों को कैसे पहचाने। अगर आप समझ रहे हैं कि ये तस्वीरों के जरिए आपके लिए देशहित में समझना चाहिए, इच्छाधारी आंदोलनकारियों को पहचाने कैसे, जिन्हें किसानों से, उनकी मांगों से, एपीएमसी एक्ट से, किसानों की मंडियों से कोई लेना देना नहीं, बस ये इच्छाधारी आंदोलनकारी हैं, जहां जब मौका मिलता है एक मॉडल के तहत ये लोग काम करते हैं और देश में आग लगाने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, हर जगह मौका मौका। अच्छा, बुराड़ी में किसानों ने भारत बंद के समर्थन में अरदास की है, इनको सीखना चाहिए। बुराड़ी में कैसे अरदास की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, ये इच्छाधारी आंदोलनकारियों को बुराड़ी के आंदोलनकारियों से सबक लेना चाहिए, सीख लेनी चाहिए। राजनीतिक दलों ने क्या किया, भारत बंद के समर्थन में हाथापाई पर उतर आए, पुलिस वालों के साथ हाथापाई की, तोड़फोड़ की, जगह जगह टायर जलाए गए, हिंसा की गई, आगजनी की गई, सब कुछ किया गया। आज क्या है भारत बंद, आज क्या है भारत बंद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। अमृतसर की सड़क पर ये युवा दिव्यांग एक हाथ में किसानों के समर्थन का झंडा लेकर आगे बढ़ा। ना तो इस युवक ने नेताओं की तरह शोर मचाया, ना तोड़फोड़, ये शांति के साथ किसानों के भारत बंद में साथ देने आया। आपने ध्यान दिया होगा, एक किसान प्रदर्शनकारी ने दिव्यांग को देखा तो आगे बढ़कर उससे हाथ मिलाया। ये है एक सच्चे आंदोलनकारी का सम्मान। लेकिन जो लोग इच्छाधारी आंदोलनकारी हो, उन्हें मान सम्मान की चिंता कहां होती है, उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ तमाशा खड़ा करना होता है, कैमरे में जगह बनानी होती है। अब सवाल है, ये इच्छाधारी आंदोलनकारी कौन है, इनकी पहचान क्या है? तो अब एक एक तस्वीर के जरिए पहले आपको यही समझाने की कोशिश करते हैं कि इच्छाधारी आंदोलनकारी कैसे होते हैं। बिहार की राजधानी पटना की सड़क पर टायर जलाते आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता, प्रदर्शन के नाम पर प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे लोग ही इच्छाधारी आंदोलनकारी कहलाते हैं। जहानाबाद में भी इसी प्रजाति के लोग मिले। ये लोग शांति में नहीं, दूसरों को परेशान करने में विश्वास रखते हैं। बैंक बंद नहीं होती भैया, नौकरी तो करनी है ना, निकाले जाएंगे नहीं तो रिपोर्टिंग टाइम हमारी होती है। अच्छा, आप कहाँ जा रही हैं? पाटलिपुत्र। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि एक बीमार महिला अगर रिक्शे में सवार होकर किसी डॉक्टर के पास जा रही है तो उसे रास्ता दिया जाए, न कि रोका जाए। यहाँ एक बात आप ध्यान में रखिए, आज किसानों ने दिन में 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद अभियान चलाया था। उन्होंने किसी राजनीतिक दल का साथ भी नहीं मांगा था, लेकिन फिर भी कांग्रेस समेत विपक्ष की कई बड़ी पार्टियां किसानों का समर्थन करने सड़क पर आ गई। अब इस भारत बंद अभियान में किसान तो हर जगह शांत रहे, लेकिन राजनीतिक दल हंगामा करते रहे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ट्रेन पर चढ़े और पटरी पर लेटे ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अब लाल टोपी वाले इन राजनीतिक प्रदर्शनकारियों से कोई पूछे
कि ट्रेन रोकना और पटरी जाम करना ये समाजवाद है या समाजघात है? देश की ट्रेन रोकने वाले लोग आखिर नेता कैसे हो सकते हैं और क्यों होने चाहिए? ये दिल्ली हरियाणा की सीमा पर सिंघू बॉर्डर है। ये जगह बीते 13 दिनों से किसान आंदोलन का हेडक्वार्टर है। सबसे ज्यादा किसान यहीं मौजूद हैं। भारत बंद का आह्वान भी किसानों ने सिंघू बॉर्डर से किया था, लेकिन इन किसानों ने भारत बंद के दौरान भी संयम बरता, शांति बनाए रखी, राजनीतिक दलों की तरह उत्पात नहीं मचाया, झड़प नहीं की, जैसा राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिखा, जहां कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। गुजरात के कई शहरों में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी किसानों के समर्थन में सड़कों पर नारेबाजी की। ये भारत बंद नहीं है, बंद है अगर तो विपक्ष की वो मंशा बंद है जो भारत को प्रगति से रोकती है। भारत बंद नहीं है, बंद है तो विपक्ष का भ्रष्टाचार बंद है, विपक्ष की कुनीतियां बंद है। जहां तक बात किसानों से वार्ता की है, बार बार भारत सरकार के प्रतिनिधि, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो मंत्री हों, उन्होंने हर विषय पर वार्ता की है कि बहुसंख्यक किसान ये निश्चित रूप से ये इन कानूनों के पक्ष में है। और दूसरी बात, जो विपक्षी दल आज इनके तीन कानून वापस लेने की मांग करते हैं, ये तो पाखंड है। ये गुंडागर्दी करने का मौका मिला किसान संघ के कंधे पर बंदूक रख करके अपनी राजनीतिक सियासत कर रही है विपक्ष की पार्टियां। सारे पोल खुल गए। भारत बंद के दौरान विपक्ष के वो सभी दल जो किसानों के समर्थन के बहाने सड़क पर उतरे, सबकी कोशिश यही रही कि किसानों के बुलाए भारत बंद को हाईजैक कर ले। लेकिन किसानों की शांति और संयम के सामने विपक्ष अपनी कोशिश में सफल नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चलिए अब देशहित में आपको जानना चाहिए कि किसानों के आंदोलन में छिपकर विरोध का ड्रामा करने वाले ऐसे लोगों को इच्छाधारी आंदोलनकारी क्यों कहा जा रहा है। दरअसल ये लोग आंदोलन की आड़ में हिंसक प्रदर्शन करते हैं। ये देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये किसान नहीं हो सकते हैं जो देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। आप समझ रहे हैं, ये लोग शाहीनबाग मॉडल का समर्थन करते हैं। ये अराजकता फैलाने को लोकतांत्रिक हक बताते हैं। ये हैं इच्छाधारी आंदोलनकारी, इन्हें पहचानिए। आज किसानों के आंदोलन के नाम पर देश में जो प्रदर्शन हुए, जिस ढंग से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, वो किसी तरह से देशहित में नहीं है। देशहित दृष्टिकोण जी न्यूज क्या मानता है? देखिए, देश को बंद की राजनीति से ना अब आगे बढ़ना चाहिए। बंद से किसानों का तो कम से कम फायदा नहीं होगा, लेकिन किसानों के नाम पर बंद बुलाया जा रहा है। आप सोचिए ना, बंद से किसानों को फायदा हुआ क्या? देश को बंद करने से देश को ही नुकसान। अब देश के नुकसान में किसान क्या अपना फायदा देख रहे हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता है। देश को जबरन बंद कराना नकारात्मक विरोध है। और देखिए तस्वीरें फिर से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। हिंसा, आगजनी, चक्का जाम, रास्ते रोकना, लोगों को परेशान करना, ट्रेनें रोकना, तोड़फोड़ करना, ये किसान तो नहीं है ना? ये किसान तो नहीं है। इन्हें ना किसानों से मतलब, ना एपीएमसी एक्ट से मतलब, ना मंडियों से मतलब, ना किसानों की मांग से मतलब।